अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलीम और एक मतलब फिर मिलाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। और आज हम मौजूद हैं जोड़िया बाजार, जो कि एशिया की ड्राई फ्रूट की सबसे सस्ती मार्केट है, होलसेल मार्केट है। तो आज मैं आया हूं कैप्चर करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी भी आ रही है कराची में। तो इससे पहले मैंने चाहा कि आपको रेट्स बता दूं, तो मैं आज आया हूं जोड़िया बाजार में। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है ये, यहाँ पर हर चीज़ होलसेल रेट पे मिलती है, जैसे कि मसाले हो गए, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, इसके अलावा सेब, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, इसके अलावा बहुत सारी आइटम यहाँ पे जोड़िया बाज़ार में मिलती है। लेकिन आज हम कवर करने के लिए आए हैं ड्राई फ्रूट्स को, तो आज चलते हैं यहाँ पर, इनके प्राइस मालूम करेंगे और इंटरव्यू लेंगे, क्या क्या प्राइस है और कहाँ से ये माल लेते हैं और यहाँ फिर आगे किस रेट पे देते हैं। तो चलते हैं, कैप्चर करते हैं, क्योंकि इसका एड्रेस में भी मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल मेन मार्केट है, कॉस्मेटिक मार्केट के बिल्कुल साथ लगती है। ली मार्केट से आप आएंगे तो बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएंगे। जोड़िया बाज़ार बहुत फेमस है ये, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जोड़िया बाज़ार आएँ और होलसेल रेट में ड्राई फ्रूट्स और तमाम चीज़ें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो चलते हैं, इसको कैप्चर करते हैं, एड्रेस में भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो फिर चलते हैं, पहले इसको कवर करते हैं। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जोड़िया बाजार से, थोड़ा सा अंदर आएंगे खोरी गार्डन स्टार्ट हो जाएगा। तो खोरी गार्डन पे ही इनकी एक शॉप है, अहमद आसिफ अहमद के नाम से शॉप है। ये भाई बैठे होते हैं यहाँ पर, आप आएंगे इस वीडियो के तवज्जो से आएंगे तो होल और ज़्यादा होलसेल रेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इनके पास बहुत ज़्यादा मुनासिब आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स हैं यहाँ पर। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आके बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं। तो चलते हैं, इनसे बात भी करते हैं और हर आइटम की रेट्स भी मालूम करेंगे कि इनके पास रेट्स क्या हैं। तो फिर चलते हैं। करते हैं यहाँ के सेलमैन से कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं आइटम के, तो भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। नवीद भाई, ज़रा बताएं अप्रोच वगैरह के बारे में। पहले आप सच्ची में बताएं कि आप ये जोड़िया बाज़ार में कितने टाइम से हैं, क्या है? मेरे को तो भाई तकरीबन 4 साल हो गए, मेरे भाई का स्टॉल है, भाई आज आया नहीं है। ठीक है। हाँ, तो ये सुबह कितने बजे आप इसको? सुबह तकरीबन हम लोग 10 बजे तक इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है। स्टार्ट हो जाता है काम, रात 9-10 बजे तक हम लोग यही होते हैं, समझ लें 12 घंटे हमारी ड्यूटी लगी रहती है यहाँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी रश है आपकी शॉप पर। कस्टमर आता रहता है, जाते रहता है, डॉक्टर गिरी भी बहुत करते हैं लोग। तो ये होलसेल है ना? ये होलसेल है, बिल्कुल मार्केट ही पूरी होलसेल की है, तो होलसेल ही मिलेगा ना। इसके अलावा अगर कहीं और जैसे लेते हैं कोई और मार्केट, तो यहीं से आप सप्लाई करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से सप्लाई होता है माल, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक हो गया, इसीलिए मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा होलसेल मार्केट सबसे बड़ी पाकिस्तान की यही है, यहीं से माल जाता है, यहाँ से आगे जाने के बाद सेल होता है। ठीक हो गया। तो ज़रा हमें बताएं यहाँ के रेट्स वगैरह, आप बताएं अखरोट वगैरह के, कौन कौन से अखरोट? भाई ये देसी अखरोट है। ठीक हो गया। इस अखरोट को देख लें आप, ये 5 साल बाद तो ये यहाँ पर आया है। ठीक हो गया। 900 रुपये रेट है इसका किलो का। ठीक हो गया। अब जैसे कि नर छुआरा हो गया। ठीक। ये पिशावर से आता है छुआरा। ठीक हो गया। पिशावर का छुआरा 500 रुपये किलो है। ठीक। ये अगर आप रिटेल में लेने जाए तो इसके क्या प्राइस होंगे? इसके तकरीबन 700 रुपये मिलेगा, अगर घर की तरफ से जैसे कि आप लेते हैं मोहल्ले में से, तो ये तकरीबन 700, 750, 800 इसके वहाँ ये रेट होंगे। भाई ये अखरोट देख लें आप, ये चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है,
वहाँ से यहाँ पर आता है, होलसेल वालों के पास पड़ता है 600-620, हमारे को जो पड़ता है वो 680 पड़ता है, हम आगे 20 रुपये रख के देते हैं, हमें क्या बचता है 20 रुपये। उसमें भी कस्टमर लेने में भी इतने जतन करता है कि ये इतना महंगा दे रहे हैं, ये वो चीज़ इतनी महंगी है, बड़ा परेशान करते हैं कस्टमर कि ये चीज़ महंगी दे रहे हैं हम। लेकिन ये चीज़ अच्छी है, नया माल है, फ्रेश माल है, नया काला है ना जाला है, चीज़ अच्छी है, गोल्डन गिरी निकलती है। जैसा कि अभी कराची में नॉर्मल मौसम है, थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो फिर इसके रेट बढ़ जाते हैं, इसके रेट और बढ़ जाएंगे भाई। फिर अभी तो ये 700 रुपये यहाँ से लेने में भी घबरा रहे हैं, और जब चीज़ महंगी हो जाएगी ना तो फिर ये उसको लेंगे, मजबूरन लेते हैं। 900 रुपये भी अगर हम कर देंगे ना अपने लिए तो ये लेके जाएंगे यहाँ से। तो अभी इसका क्या रेट बताया? अभी इसका ये 700 रुपये किलो है, चाइना अखरोट बड़ा वाला। और ये अभी ये देख लें छुआरा, ये पाकिस्तानी छुआरा है, फसल तो पूरी बर्बाद हो ही चुकी है, जब से सैलाब वगैरह है पूरी फसल गिरने लग गई। छुआरा सबसे महंगा चल रहा है, पुराना छुआरा चल रहा है, कस्टमर आता है हमको बोलता है नया छुआरा तो हम कहाँ से दें, छुआरा आ ही नहीं रहा आगे से, आगे से आएगा तो मिलेगा ना, अब आ नहीं रहा। ये देखो छुआरा देखो, ये 360 रुपये किलो रेट है, ये कचरे वाले दाम है, ये कचरे वाला माल है, इसके रेट ऐसे चल रहे हैं। अब चना है, चना 520 रुपये, 480 है, 360 है, ये तीन चने, तीनों चनों में एक ही क्वालिटी है, सिर्फ फर्क ये फूल चना है बड़ा वाला, इसमें कड़क दाना एक आध आएगा, इसमें ज़्यादा आएंगे। देसी चना किशमिश ये ईरानी, ये ईरान से आती है, खट्टी मीठी होती है, खाने में जायका अच्छा होता है इसका, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस चीज़ को। 640 रुपये किलो अखरोट गिरी देख लें, देसी गिरी है छोटी वाली, बेहतरीन गिरी है, अच्छी गिरी है, खाने में मीठी होगी बिल्कुल। 1800 रुपये किलो का रेट है इसका। बादाम है, अमेरिकन बादाम है, ना कड़वा होता ना ख़राब होता, ना कीड़ा होता ना जाला होता, चीज़ अच्छी होती है, खाने में मीठा होता है। 1600 रुपये किलो का रेट है इसका, हम लोग इसको 1500 रुपये चलाते हैं किलो, लेकिन कस्टमर इसमें भी बहुत नखरे करते हैं कि यार ये चीज़ महंगी है, ये बड़ा वाला अमेरिकन है, 1800 रुपये 1600 रुपये दे रहे हैं हम लोग। इससे आगे देख लें, देसी बादाम है 2000 रुपये किलो है, 1800 रुपये लगता है किलो, वो 2600 है तलवार वाला, 2400 रुपये लगता है किलो। अब इसके पीछे आ जाएं आप, बादाम पे, ये ईरानी बादाम है, 2800 रुपये किलो है, ये अच्छा वाला। चिलगोजा देख लें, चिलगोजा 4800 रुपये किलो है, नया चिलगोजा, बेहतरीन चिलगोजा है, 4800, चीज़ अच्छी है, बेहतरीन है, खाने में अच्छा है, जायका भी अच्छा है। ये वाला भी चिलगोजा है, लेकिन सिर्फ साइज़ छोटा है इसका, ये 4400 रुपये किलो है, ठीक, चीज़ अच्छी है, बेहतरीन है, नया माल आया हुआ इसी सीज़न में, कोयटे से भी आया है। अभी इंजीर है हमारी, देसी इंजीर, ये रखे रखे थोड़ा सा कलर इसका डिम हो जाता है, लेकिन जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है, लोग समझते हैं ख़राब हो गई है, लेकिन ख़राब होती नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। पारा चनार देख लें, 700 रुपये किलो, 700 रुपये की किलो है, 700 रुपये की किलो है, ये मीठी होती है, मीठी होती है, खाने में अच्छी होती है, बड़ा दाना पाकिस्तानी बादाम है, 700 रुपये रेट है इसके एक किलो का, ठीक है, नया माल फ्रेश, 700 रुपये, चीज़ अच्छी है, बेहतरीन चीज़ है, खाने में अच्छा भी होता है, लेकिन एक आध दाना कड़वा निकलता है, ऐसी इसका मामला है, ठीक है। ये टूटता है पत्थर से, ये दांत से टूटता है और ये पत्थर से टूटता है, फर्क ये है बस, इसमें भी एक आध दाना कड़वा आता है। खुबानी है 600 रुपये किलो, नहीं खुबानी नरम माल में, ये पाकिस्तानी होती है, पाकिस्तानी होती है खुबानी, पाकिस्तानी, ये तो फेवरेट है सबकी, फेवरेट है, अच्छी चीज़ है। देसी अखरोट है 500 रुपये किलो है, ये जब कस्टमर ज़्यादा अड़ता है तो हम उसको 450 रुपये में दे देते हैं, क्या भाई तू ले गया तू खुश हो गया, ठीक है। अब जैसे वो बताया मैंने चाइना अखरोट, ये वही अखरोट है लेकिन साइज़ छोटा है, इसका 650 रुपये का रेट है किलो का। जो कस्टमर आते हैं तो आपसे कम करते हैं और उसको और कम करना पड़ता है, वैसे तो इसके रेट फिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर जब अड़ियल बना करते हैं ना तो फिर उनको कम करके देना पड़ता है कि चलो भाई तुम ले जाओ, ठीक हो गया, तुम खुश हो जाओ। काजू देख लें, इंडिया का एक्सपोर्ट, ये इंडियन काजू है, ये इंडियन काजू है, ठीक हो गया, तो काजू आते हैं इंडिया से, ठीक हो गया। ये अभी मार्केट में 2600 रुपये का रेट चल रहा है,
हम लोग 2400 रुपये किलो चला रहे हैं। अभी इसी का फ्राई है नमक वाला, इस पर 150 रुपये किलो बुनाई जाती है। साथ है जैसे कि हम लेते हैं 2400 में, तो समझ लो 2600 का ही हमें पड़ जाता है। 2800 रुपये हम चलाते हैं किलो, 700 का पाव। पिस्ता है, ईरान का पिस्ता आता है ये ईरान से, 2800 रुपये किलो है ये नमकीन पिस्ता। बड़ा पिस्ता है, बेनेदरी पिस्ता कहते हैं इसको। कौन से पिस्ते कहते हैं? बेनेदरी पिस्ते कहते हैं इसको। हाँ, ये बड़ा वाला पिस्ता है नमकीन, इसको भी फ्राई कराना पड़ता है भाई। इसके क्या प्राइस? 2800 रुपये किलो। गोंद है हमारे पाकिस्तान की बेहतरीन गोंद, कीकर बोलते हैं इसको, कीकर 600 रुपये किलो। ये सारी सर्दियों की आइटम? ये सारे सर्दियों के आइटम है। ये पंजरी वगैरह बनती है ना, ये उसमें चलती है, पंजरियों में डलती है, पंजरी वगैरह हो गई उसमें चीज़ डलती है, चलती है। इसके क्या प्राइस है? 600 रुपये किलो है ये भी। ठीक हो गया। ये नीचे तिल है? अब जैसे कि सफ़ेद तिल देख लें, ढक के रखना पड़ता है ना भाई, चीज़ ख़राब ना हो, बंदा शिकायत ना करे बस। ये सफ़ेद तिल क्या है, क्या रेट है? सफ़ेद तिल के रेट है 600 रुपये किलो। ठीक है। इनको बड़ी चीज़ों को संभालना पड़ता है भाई, ख़राब होने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल, महंगी चीज़ है। हाँ, चार मगज़ है ये भी अपना पाकिस्तानी है, तरबूज मगज़ बोलते हैं इसको। अच्छा, भाई तरबूज के बीज होते हैं ये? तरबूज के बीज होते हैं। अच्छा, इसके क्या प्राइस है? ये भी 600 रुपये। इनके सबके एक ही रेट चल रहे हैं, तीनों चारों चीज़ों के। अच्छा, ये देख लें मखाना तो ऐसे भी दिख रहा होगा। ये इंडिया से आता है, इंडिया का आइटम है ये। अच्छा, फूल मखाना, इसका रेट है 1800 रुपये। अमेरिकन बीज देख लें, ये अमेरिकन बीज है। ये 1000 रुपये किलो चल रहा है अभी। लेडी से बहुत शौक से खाती है चीज़ को टाइम पास करने के लिए। इसके नीचे वाला गोल्ड बीज इसको देख लें, 640 रुपये किलो है। पाकिस्तानी? ये भी बाहर का इम्पोर्टेड आइटम है दोनों, इसीलिए ये महंगा है। ये इसलिए महंगा है, इम्पोर्ट का आइटम महंगा ही होता साला। मैंने सारी आइटम तो कवर की है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कस्टमर हमारे आते हैं वीडियो देख के, तो कोई और मुनासिब रेट? बिल्कुल मुनासिब कर देंगे भाईजान, जितनी हमारी कोशिश होगी हम उतना और मुनासिब उसको करके दे देंगे, उसको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। तो एड्रेस आप समझा दें बात। एड्रेस जोड़िया बाजार, खोरी गार्डन। खोरी गार्डन बिल्कुल सीधा है, कंडा गली कहलाती है ये वाली, देख लें कंडा गली कहलाती है। ये कंडा गली कहलाती है, कंडा गली के बिल्कुल कोने पे हम लोगों का ठेला लगा हुआ, हमारी सेल हो रही है यहाँ। किस नाम से? आसिफ अहमद। तो आप ही होते हैं यहाँ पे? मैं होता हूँ, मेरा बड़ा भाई होता है, वो बड़ा भाई अभी आया नहीं है, बारह आज मैं हूँ, वैसे मैं मिलूँगा 12 घंटे में होता हूँ यहीं पर। तो ये बता दें सुबह ओपन कब करते हैं? सुबह 10 बजे तक ओपन हो जाती है, रात 9:30 बजे तक बंद करना स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कोऑपरेट किया हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली आज ये था जोड़िया बाज़ार का राउंड, आपको मैंने दिखाया ड्राई फ्रूट्स क्या रेट हैं, बहुत ही मुनासिब रेट्स पे दे रहे हैं जोड़िया बाज़ार में। ये एशिया बल्कि कराची ये पाकिस्तान सबसे ज़्यादा होलसेल मार्केट है, ये पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से ही सामान जाता है, हर पिशावर हो गया हर जगह यहीं से माल जाता है, बहुत ही मुनासिब रेट पे देते हैं। आप अगर इस वीडियो के तवस्सुत से भी आएंगे तो आपको इंशाल्लाह और रियायत कर देंगे, आप ज़रूर आइएगा इनकी शॉप पर, यही जोड़िया बाज़ार की सबसे फेमस शॉप थी। तो भाई उम्मीद करता हूँ मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं कोई ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।